हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट थॉमस डेकर ऑफ जेकोबियन एज। लेट अस स्टार्ट। थॉमस डेकर थॉमस डेकर वाज ए पार्ट ऑफ वॉर ऑफ थिएटर। ही वाज ए पार्ट ऑफ वॉर ऑफ थिएटर। हमने अपने जब स्टार्ट किया था जेकोबियन एज, हमने बेन जॉनसन और बहुत सारे राइटर्स हमने देखे थे जो पार्ट थे वॉर ऑफ थिएटर के, मतलब एक दूसरे पर व्यंग करते थे। ओके, तो उसका एक पार्ट थॉमस डेकर भी थे। ही वॉज सैटराइज्ड इन बेन जॉनसन प्ले पोएटस्टर। बेन जॉनसन ने भी इनके ऊपर व्यंग किया है पोएटस्टर में, जिसका नाम एंड द कैरेक्टर नेम इज डेमेट्रियस। द कैरेक्टर नेम इज डेमेट्रियस, उस कैरेक्टर के नाम से है। एंड डेमेट्रियस कैरेक्टर इज स्केच बाय बेन जॉनसन फॉर थॉमस डेकर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो थॉमस डेमेट्रियस का कैरेक्टर है वो बेन जॉनसन ने थॉमस डेकर को ही देख कर क्रिएट किया था। एंड डेमेट्रियस कैरेक्टर बनाकर बेन जॉनसन मजाक बनाना चाहते थे थॉमस डेकर का। ओके, एंड थॉमस डेकर एंड वेबस्टर टुगेदर रिटर्न वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, थॉमस डेकर एंड वेबस्टर टुगेदर रिटर्न वेस्टवर्ड हो एंड नॉर्थवर्ड हो। ओके, एंड लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वर्क ऑफ थॉमस डेकर। द फर्स्ट वर्क इज शूमेकर हॉलीडे। द फर्स्ट वर्क इज शूमेकर हॉलीडे। शूमेकर हॉलीडे सब टाइटल इज जेंटल क्राफ्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। द शू मेकर हॉलीडे सब टाइटल इज जेंटल क्राफ्ट। इट इज़ ए सिटी कॉमेडी। ये क्या है? एक सिटी कॉमेडी है। सिटी कॉमेडी का मतलब होता है मीन्स इट डील्स विद द एवरीडे लाइफ ऑफ लंदन, जो आम आदमियों पे बनी होती है, एवरीडे जो हम जिंदगी जी रहे हैं उन पे बनी होती है। द इवेंट्स ऑफ दिस प्ले अक्कर इन द रिंग ऑफ हेनरी सिक्स। ओके, और जो इवेंट्स है वो किसके, विंग ऑफ हेनरी सिक्स के इवेंट्स लिए गए हैं, आकर वहाँ पे हो रहे हैं। एंड देर इज़ ए कैरेक्टर कॉल साइमन एरे। इसमें एक कैरेक्टर है साइमन एरे। ओके, एंड दिस पर्सन साइमन एरे इज़ ए हिस्टोरिक फिगर। ही इज़ ए मर्चेंट हु एक्टेड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स। ये एक मर्चेंट था हु एक्टेड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स थ्रू आउट लंदन। वो बेचता था, सप्लाई करता था, फूड सप्लाई करता था। ही बिकेम मेयर ऑफ लंदन। उसके बाद में वो मेयर बना। एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही इज सपोर्टिंग किंग हेनरी सिक्स। और उसके हार्ड वर्क से वो सपोर्ट करने लगा किसको, हेनरी सिक्स को। तो दिस पर्सन साइमन एरे इज ए हिस्टोरिक फिगर। ये एक सच में था। ही इज़ ए मर्चेंट हु एक्टेड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, एंड जो इसका प्लॉट है, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट। दिस वर्क बेसिकली टॉक्स अबाउट साइमन एरे एंड ही इज डिपिक्टेड एज ए शू मेकर। इसमें उन्होंने इसे शू मेकर दिखाया है। क्या? शू मेकर। ओके, जो साइमन एरे है वो शू मेकर है। दिस पर्सन ग्रेजुअली बिकेम्स ए लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। फिर वो लॉर्ड मेयर बनता है लंदन का। ओके, एंड दिस प्ले कंटेन्स ए पोएम विच इज कॉल्ड मैरी मंथ ऑफ द मे। ओके, इस वर्क में, इस प्ले में एक पोएम है, वो कौन सा है, मैरी मंथ ऑफ द मे। मैरी मंथ ऑफ द मे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैरी मंथ ऑफ द मे नाम का एक पोयम किस में है, तो ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। ओके, तो इसमें ये पोयम है मैरी मंथ ऑफ द मे। एंड प्लॉट ओपन्स होता है रोज आउटले नाम का एंड रोलैंड लेसी, बोथ ऑफ देम आर इन लव। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। कौन? रोज आउटले एंड रोलैंड लेसी, बोथ ऑफ देम आर इन लव एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास। वो दोनों ही डिफरेंट क्लास को बिलोंग करते हैं। प्ले एंड्स होता है साइमन एरे इज नाउ द लॉर्ड मेयर ऑफ द लंदन। ओके, साइमन एरे अब लॉर्ड मेयर बन चुका है लंदन का। और इसमें साइमन की सेइंग्स है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ओके, तो इसमें साइमन की जो सेइंग है वो आपको याद रखनी है, लव रेस्पेक्ट नो ब्लड cares not for different of birth or state. Okay, this is the lines, you have to remember this. ये इसकी lines है। Simon says love respect no blood cares not for difference of birth or state.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिलिप मैसेंजर. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिलिप मैसेंजर. आज हम थ्री राइटर्स करने की कोशिश करेंगे अपने इस एक ही वीडियो में. ओके, एंड द नेक्स्ट इज फिलिप मैसेंजर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द वर्क्स ऑफ फिलिप मैसेंजर एंड वर्जिन मैत्रे. वर्जिन मैत्रे, ओके, इट इज़ ए मिरेकल प्ले. ये एक मिरेकल प्ले है. हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, थ्री टाइप्स के प्ले होते हैं. ओके, उसमें से ये एक मिरेकल प्ले है. एंड मार्थेम ऑफ दरोदिया इज ए वर्जिन एंड लेटर बिकेम सेंट. वो वर्जिन है और बाद में वो सेंट बन जाती है. और मार्थेम का मतलब क्या होता है? इज़ ए पर्सन चेंज इंटू सेंट. उसका मतलब होता है जो आदमी चेंज कर लेता है, वर्जिन से सेंट में बदल जाता है. ओके, पर्सन चेंज इंटू सेंट को मात्रन बोलते हैं. द नेक्स्ट वर्क इज ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स. न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स. ओके, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सर गाइल्स ओवर रिच. दिस कैरेक्टर इज ए फिगर ऑफ एविल इन दिस प्ले. बहुत ही बुरा कैरेक्टर है सर गाइल्स ओवर रिच. ओके, कैरेक्टर एविल कैरेक्टर का प्ले है. इट इज़ ए मेलोड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर. मेलोड्रामा है इसमें, कॉमेडी ऑफ मैनर है. ए ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन बाय थॉमस मिडिल्टन ऑन दिस फिलिप मैसेंजर मॉडल हिज प्ले. ओके, जो ए ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन बाय थॉमस मिडिल्टन है ऑन दिस फिलिप मैसेंजर मॉडल हिज प्ले, उसी पे फिलिप मैसेंजर ने अपना ये प्ले मॉडल किया है. ओके, तो दिस इज़ द न्यू वे टू पे ओल्ड डेब्ट्स. द नेक्स्ट इज सिटी मैडम. ओके, तो लेट अस स्टार्ट सिटी मैडम. लूक फ्रूगल इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट. इसमें लूक फ्रीगर नाम का मेन प्रोटोगोनिस्ट है. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. लूक फ्रूगल नेवर डन एनीथिंग गुड इन हिज लाइफ एंड ही हैड आल्सो बीन इन द प्रिजन. वो कभी भी उसने अच्छा काम नहीं किया है. वो बहुत बार प्रिजन में भी गया है. एंड ही हैज़ नो मनी इन हिज पॉकेट. और अब वो आया है तो उसके पास कोई भी पैसा नहीं है उसके पॉकेट में. ही हैज़ ए ब्रदर जॉन फ्रूगल. उसका एक भाई है जॉन फ्रूगल, हु इज़ ए मर्चेंट एंड वेरी वेल्थी. जो मर्चेंट है बहुत ही वेल्दी है. ओके, एंड लूक फ्रीगल जब जेल से बाहर आता है तो उसका भाई जॉन फ्रीगल कहता है कि चलो तुम मेरे घर रहने आ जाओ. एंड लूक फ्रीगल वाज स्टार्ट वर्किंग इन हिज ब्रदर्स हाउस एज एन अप्रेंटाइज. मेयर सर्वेंट बनके उसमें काम करने लग जाता है उसके घर पे. एंड ही इज़ कंटिन्यूसली टॉर्चर बाय लेडी फ्रूगल उसे टॉर्चर करती है. एंड मैरी तीनों उसे टॉर्चर करती है. ही इज़ कंटिन्यूसली टॉर्चर बाय लेडी फ्रूगल एने एंड मैरी. ओके, एंड लूक फ्रीगल भी कोई अच्छा आदमी नहीं था. ही वॉन्ट्स टू इनहेरिट हिज ब्रदर्स वेल्थ. बस अपने ब्रदर की वेल्थ लेना चाहता था. एंड लूक फ्रीगल एंड एज वेल एज जॉन फ्रीगल बोथ ऑफ देम हैज़ इविल इंटेंशंस. दोनों की इंटेंशंस बुरी थी. एंड सिटी मैडम रिप्रेजेंट द लेडी फ्रूगल. जो सिटी मैडम है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लेडी फ्रूगल को. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सिटी मैडम. द नेक्स्ट इज रोमन एक्टर एंड इट टॉक्स अबाउट द रोमन एम्परर हु वॉन्ट्स टू टेक ब्लडी रिवेंज. एक रोमन एम्परर की कहानी है जो खून खराब है, ब्लडी रिवेंज लेना चाहता है. एंड आल्सो एक्यूजेस हिज वाइफ डोमिटिया. जो अपनी वाइफ डोमिटिया को भी एक्यूज करता है. ओके, बिकॉज ही फाइंड डोमिटिया इज़ हैविंग एन अफेयर विद पेरिस. उसको लगता है कि डोमिटिया का अफेयर है पेरिस के साथ. एंड पेरिस इज़ ए रोमन एक्टर. पेरिस एक रोमन एक्टर है हु हैज़ अफेयर विद द वाइफ ऑफ रोमन एम्परर. जिसका रोमन एम्परर डोमिटिया की वाइफ के साथ अफेयर है. जब ये बात रोमन एम्परर को पता चलती है तो ही इज़ फुल ऑफ एंगर एंड ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट रोमन एक्टर. ये छोटी छोटी स्टोरीज है. मोस्टली पूछा जाता है कि सिटी मैडम इज़ रिटन बाई
तो ऑप्शंस में आता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट फिलिप मैसेंजर। ओके, बहुत कम इसके अंदर का पूछा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रही, लेकिन अगर डीप में भी पढ़ना है तो हम एक बार ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में एक एक चीज़ हम डीप में भी डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ओके, तो हम इसको डीप में भी स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट द राइटर इज़ जॉन फोर्ड, द नेक्स्ट राइटर इज़ जॉन फोर्ड। ऑल हिज प्ले टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, उसके सारे प्लेज बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। एंड द फर्स्ट प्ले इज इट इज़ ए प्रिटी स्वेल्ड ऑफ वॉर शील्ड ऑफ वॉर इट इज़ ए प्रिटी शील्ड ऑफ वॉर ओके द फर्स्ट इज इट इज़ ए प्रिटी शील्ड ऑफ वॉर एंड लेट अस डिस्कस अबाउट प्लॉट इट इज़ ए स्टोरी अबाउट द लव अफेयर बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर ये एक लव अफेयर के बारे में है, जो भाई बहन के लव अफेयर के बारे में है। एंड नेम ऑफ द ब्रदर इज़ जियोवनी द नेम ऑफ द ब्रदर इज़ जियोवनी एंड द सिस्टर इज़ एनाविला एंड द सिस्टर इज़ एनाविला एंड सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ इन इटली द सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ इन इटली एंड क्रिटिक सेज दैट इट इज़ ए प्रिटी शेल्ड ऑफ वॉर शील्ड ऑफ वॉर एंड जूलियस सीजर आर लुक लाइक सेम और सिमिलर वो बोलते हैं कि जूलियस सीजर भी सेम ही लग रहा है और सिमिलर ही लग रहा है। इस क्रिटिक्स ने बोला है कि इट इज़ ए प्रिटी शील्ड ऑफ वॉर एंड लव अफेयर बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर इज़ अनलॉफुल इन नेचर ये गलत है एंड इट एंड्स इन डिज़ास्टर एंड डेथ और इसमें डिज़ास्टर लास्ट में डिज़ास्टर और डेथ ही होती है। एंड व्हेन द प्ले ओपन्स वी फाइंड द एनाविला इज़ प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड ऑफ जियोवनी इन ऑर्डर टू हाइड दिस थिंग शी एग्रीज टू मैरी हिज सूटर सोरेंजो ये एनाविला किससे शादी करती है सोरेंजो को छुपाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो सोरेंजो से शादी कर लेती है ताकि समाज को पता ना चले। एंड सोरेंजो वाज नॉट अवेयर ऑफ द लव अफेयर ऑफ दिस टू एंड लेटर दिस ट्रूथ इज डिस्कवर्ड सोरेंजो प्लान्ड फॉर ए रिवेंज और बाद में जब उसको पता चलता है तो वो रिवेंज लेना चाहता है बदला लेना चाहता है दोनों भाई बहनों से। एंड जियोवनी को बुरा लगा एनाविला की शादी से एंड ही मर्डर एनाविला एंड सोरेंजो और उसको जो जियोवनी है उसको ही बुरा लगा कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया और उसने दोनों को मार दिया एनाविला एंड सोरेंजो को। एंड जियोवनी इज़ हिमसेल्फ मर्डर्ड बाय सोरेंजो हायर किलर ओके जो सोरेंजो ने किलर हायर कर रखा था उसने जियोवनी को भी मार दिया एंड एट द एंड जियोवनी सोरेंजो एंड एनाविला ऑल आर डेड तीनों ही लास्ट में तीनों की डेथ हो जाती है ओके तो ये दिस इज जस्ट ऑल अबाउट ए प्रिटी शील्ड ऑफ वॉर ओके द नेक्स्ट इज लवर्स मिलन चोली एनाटॉमी ऑफ मिलन चोली रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन एनाटॉमी ऑफ मिलन चोली किसने लिखा है रॉबर्ट बर्टन आपको कन्फ्यूज ये नाम्स में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि लवर्स मिलन चोली एंड एनाटॉमी ऑफ मिलन चोली तो आपको ये याद रखना है। जॉन फोर्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्ले है ये लवर्स मिलन चोली इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबर्ट बर्टन प्रोज वर्क एनाटॉमी ऑफ मिलन चोली तो ये इसका मेन पॉइंट है आपको याद रखना है कि ये इसका फर्स्ट वर्क है और ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है रॉबर्ट बर्टन के प्रोज वर्क से एनाटॉमी ऑफ मिलन चोली दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन फोर्ड ओके आज हमने तीन राइटर्स अपने कर लिए हैं शॉर्ट राइटर्स अपने कर लिए हैं ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच।